उत्तराखंड और हिमाचल में जल प्रलय की वजह से टूरिज्म कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। होटल्स और टैक्सी वालों का धंधा गिर गया है। हालात सामान्य होने तक नए टूरिस्ट के जाने की संभावना भी कम है। तबाही के इस मंजर को देखने के बाद शायद ही कोई उत्तराखंड या हिमाचल का रुख करना चाहेगा। इस सैलाब में मंदिर और घरों के साथ होटल्स और दुकानें भी बह गई। जो बचे हैं वहां पानी और मलबा जमा है। जल प्रलय में बर्बाद हुए दोनों राज्यों की कमाई और लोगों की रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया टूरिज्म था, लेकिन इस साल टूरिज्म की शुरुआत ही बर्बादी से हुई है। बाढ़ की तबाही से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म बिजनेस गिरकर 30% पर आने का अनुमान है। आमतौर पर होटल्स में 100% बुकिंग रहती है और अब 20 से 30% रह गई है। टूरिज्म पर निर्भर दूसरे कारोबार का भी खासा नुकसान हुआ है। एडवांस बुकिंग कराने वाले भी अब अपने प्लान्स या तो रीशेड्यूल कर रहे हैं या फिर बुकिंग रद्द कर रहे हैं। ये सब जो बेल्ट है यहाँ पे, जो मतलब इस वक्त टूरिज्म का प्रकोप रहता है जहाँ पे, तो वहाँ काफी टूरिस्ट हैं, आज की तारीख में भी हैं, स्ट्रैंडेड हैं और उनको तकलीफ भी आ रही है, मगर और तो कोई अब रिस्क लेके कहीं जाएगा नहीं। तो ना केवल इन स्टेट्स को भारी नुकसान होगा, बट आगे चल के भी जो टूरिज्म की कमाई होनी थी वो भी नहीं होगी, तो इन स्टेट्स को काफी सफर करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं अबाउट 70-80% कैंसिलेशन, और ये कैंसिलेशन मेरे ख्याल से 100% भी जा सकती है अगर नेक्स्ट 2-4 दिनों में मामला अगर नहीं सुधरे। हर साल करीब 3 करोड़ टूरिस्ट उत्तराखंड आते हैं, जबकि करीब 2 करोड़ सैलानी हिमाचल की हसीन वादियों का रुख करते हैं। पिछले साल कश्मीर से भी ज्यादा सैलानी इन्हीं 2 राज्यों में आए थे, लेकिन इस साल सैलानी दोनों राज्यों से दूरी बनाए रखने में ही बेहतरी समझ रहे हैं। जितनी भी बुकिंग्स थी सारी कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि सब टेलीविजन पे नजर आ रहा है, तो कोई भी आदमी इस टाइम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे नहीं जा रहा। उत्तराखंड में मई से नवंबर के बीच चलने वाली 4 धाम यात्रा के लिए मई और जून महीने में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। टूर और ट्रैवल कंपनियां अब लोगों को अगस्त में जाने की सलाह दे रही हैं। मुंबई से वर्णित गुप्ता के साथ सुप्रिया भारद्वाज, जी मीडिया दिल्ली।